Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is second part of the fourth lecture of the curves. इसमें हम कुछ introduce कर लेते हैं transition curve को और super relation के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So what is transition curve? A curve of varying radius is called a transition curve. It is also called spiral curve or easement curve. यानी आपके साथ वो curve जिसमें radius जो है वो change होता रहता है. आपके साथ ट्रांजिशन जो कर्व है उसकी लेंथ के मुताबिक, फॉर एग्जांपल ये कर्व है तो इसका रेडियस जो है चेंज होता रहता है. ओके, सो दिस कर्व और हैविंग वेरिंग रेडियस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व. ओके, सो इट इज यूज्ड ऑन बोथ हाईवेज एंड रेलवेज बिटवीन टेंजेंट एंड अ सर्कुलर कर्व इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू द कर्व एंड फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट. अगर आप इस फिगर को देख ले कि इधर आपके साथ दरमियान में एक सर्कुलर कर्व है, ये वाला जो है, ठीक है, ये भी मैंने जो शेड करके बना लिया ये वाला. ओके, सो दिस सर्कुलर कर्व. सो टेंजेंट से लेकर सर्कुलर कर्व तक और सर्कुलर कर्व के एंड से लेकर सेकंड पॉइंट T2 तक, इधर जो है दरमियान में सर्कुलर कर्व के एक साइड पर दूसरी साइड पर हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर लेते हैं. एंड दिस कर्व इज हैविंग वेरिंग और चेंजिंग रेडियस. ओके, ताकि हमारे साथ इस T1 पॉइंट से सर्कुलर कर्व तक स्मूथली एक गाड़ी जो है जा सके. ओके, फिर सर्कुलर कर्व पर जा सके और सर्कुलर कर्व से फिर स्मूथली सर्कुलर कर्व से लेकर T2 तक जो है हम आसानी से जा सके. ये हमारे साथ फील्ड रिस्ट्रिक्शन में नॉर्मली जो है हम सर्कुलर कर्व को जो है सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेडियस होता है और तो जरूरी नहीं है कि वो रेडियस आपके साथ फील्ड पर अप्लाई हो. ठीक है, तो इस वजह से हम ट्रांजिशन कर्व का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजिशन कर्व पर कैंट या सुपर एलिवेशन वो जो है इस्तेमाल करते हैं. ओके, उसकी डिटेल में हम बाद में आएंगे, सुपर एलिवेशन या कैंट की डिटेल्स में. ओके, इट इज आल्सो इंसर्टेड बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ अ कंपाउंड कर्व. ओके, कंपाउंड दो कर्व है उनके दरमियान भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व को लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व? Transition curves are used to build up those forces gradually and uniformly, thus ensuring the safety of passenger. यानी आप जब कर्व पर जो है जाते हैं तो आपके साथ दो किस्म के फोर्सेज उस पर एक्ट करते हैं, एक जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक उसका व्हीकल का वेट है. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, वो आपके साथ गाड़ी को स्किट कराएगा, ठीक है, ताकि आपका जो सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर रोड है, तो आपकी गाड़ी को स्किड कराने में कौन सी फोर्स दरामद है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को T1 पॉइंट से सर्कुलर कर्व तक स्मूथली प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ क्या हो, गाड़ी स्किड ना कर जाए. ओके, और फिर सर्कुलर कर्व पर वो आपके साथ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होती, उसके बाद फिर सुपर एलिवेशन कम होना शुरू हो जाती है, T2 पर खत्म हो जाती है. ओके, सो व्हाट इज सुपर एलिवेशन? आपको इधर ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन करा सकूं. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने शायद देखा हो कि रोड का एक साइड या एक एज जो है वो ऊपर होता है और एक एज जो है इसका नीचे होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये रोड है, इस तरह गया है रोड. ओके, एंड दिस इज आपके साथ ये रोड गया है, डायरेक्शन ऑफ द रोड की, तो इसका एक एज नीचे होता है और दूसरा इसका ऊपर होता है. सो ये इस ऊपर वाले से हम इसको क्या कहेंगे, सुपर एलिवेशन. और ये हम अप्लाई करते हैं ताकि आपके साथ गाड़ी स्किड ना कर जाए कर्व्स पर. ओके, सो दिस अलाउज फॉर ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन और कैंट. यानी ट्रांजिशन कर्व आपको क्या अलाउ करता है, ताकि आप जो है इसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर ले इस कर्व पर, ठीक है, और वो स्मूथली हो. ये ना हो कि बस गाड़ी जो है एक सड़क से दूसरी तरफ जा रही, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से, और डायरेक्ट सर्कुलर कर्व पर आ जाए और डायरेक्ट जो है उस पर ये वाली ये सुपर एलिवेशन मैक्सिमम लगा हो. नहीं, बल्कि इस मैक्सिमम आपके साथ सुपर एलिवेशन पहले से पहले कम होता है, फिर ज्यादा होता जाता है और सर्कुलर कर्व पर मैक्सिमम हो जाता है. सर्कुलर कर्व के बाद आपके साथ फिर सुपर एलिवेशन कम होना शुरू हो जाते हैं, T2 पर आपके साथ सुपर एलिवेशन खत्म हो जाते. तो इसका फायदा यह होता है कि आपके साथ ट्रांजिशन कर्व वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके और वेट के जो आपके साथ जो रिजल्टेंट बनता है, उस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आप सड़क बनाते हैं, तो ग्रेजुअल बनाते हैं ताकि आपके साथ गाड़ी ना स्किड कर जाए. सही है, उसकी डिटेल में भी आ जाएंगे अभी बाद में.
फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये गाड़ी है, उसका वेट है सिर्फ, सही है, जैसे आप इसको कर्व पर जो है यानी इस जो जो है इसकी डायरेक्शन कर्व पर यानी ये कर्व पर चलता है, तो इस पर आपके साथ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जो इस गाड़ी को खींचता है अपनी तरफ या स्किड करना इसको कोशिश करता है। ओके, सो दिस इज वेट एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सड़क ऐसे बनाते हैं कि इन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट का जो परपेंडिकुलर हो, तो हम इसका यानी इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका, सही है, तो हम इस रिजल्टेंट को इस सड़क के परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं ताकि आपके साथ ये गाड़ी स्केट ना कर जाए। ओके, यानी हम नॉर्मल क्या करते हैं, इसका जो सड़क का जो नॉर्मल है वो हम इन लाइन लाते हैं इन फोर्सेस के रिजल्टेंट से ताकि आपके साथ ये गाड़ी स्केट ना कर जाए। तो सुपर एलिवेशन इज डिजाइंड सच दैट रोड सर्फेस इज नियरली परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ट्रांजिशन कर्व, टू अकॉम्प्लिश ग्रेजुअली द ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू द कर्व सर्कुलर कर्व और फ्रॉम सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट, यानी इधर आपके साथ ताकि ये वाला जो है टी वन से लेकर सर्कुलर कर्व तक और सर्कुलर कर्व से टी टू तक हम स्मूथली जा सके, सो इसका ये बड़ा फायदा है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो टू प्रोवाइड अ सेटिस्फेक्ट्री मीन ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो टू ऑन द टेंजेंट टू स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द मेन सर्कुलर कर्व, यानी आपके साथ ये वाला सर्कुल पॉइंट टी वन पर आपके साथ सुपर एलिवेशन नहीं होता, यानी आपके साथ फॉर एग्जाम्पल ये रोड है तो रोड ऐसा ही रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, ये टी वन पर इसका क्रॉस सेक्शन है, जैसे ही आप जो है ये फॉर एग्जाम्पल टी वन है पॉइंट इस पर आपके साथ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो ये वाला होगा। ओके, जैसे ही आप जो है इस पर जो है आपकी गाड़ी चलती रहती है तो आपके साथ क्या होता है इसका ये फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इसको एक्स एक्स सेक्शन दे दूँ तो इस सेक्शन पर आपके साथ इसका ये वाला सेक्शन होगा। ओके, ये वाला कुछ इस तरीके से ज्यादा होता जाए, यानी इसका एक एज जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, और सर्कुलर कर्व पर इसकी एज एक एज होगी और ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको हम सुपर एलिवेशन कहते हैं, सही है। फिर सर्कुलर कर्व पर वो आपके साथ कांस्टेंट रहती है, फिर सर्कुलर कर्व से जैसे हम उतरना शुरू हो जाए तो आपके साथ दोबारा ये वैल्यू या एज कम होना शुरू हो जाता है, तो टी टू पर आपके साथ जो सेक्शन बन जाते हैं वो बिल्कुल टी वन की तरह आपके साथ बन जाते हैं। ओके, कि इस दोनों एजेस सेम हो जाती है उसकी। सो कंडीशंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इट शुड मीट द ओरिजिनल स्ट्रेट टेंजेंट टेंजेंशियली, यानी ये ट्रांजिशन कर्व जो है ये टी वन को टेंजेंट होना चाहिए, यानी टी वन पॉइंट जो है इसको टेंजेंट होता है, सही है। इट शुड मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, और ये इसको एक पॉइंट पर टच करे टेंजेंशियली। ओके, ठीक है, एक पॉइंट पर। इट्स रेडियस एट अ जंक्शन विद सर्कुलर कर्व शुड बी सेम एज दैट ऑफ सर्कुलर कर्व, यानी इधर आपके साथ जो जंक्शन पॉइंट है दोनों जो पॉइंट जो है मिले है, इधर जो ट्रांजिशन कर्व का जो रेडियस होगा दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ सर्कुलर कर्व, क्योंकि इसके बाद सर्कुलर कर्व शुरू हो रहा है तो इस वजह से इसका जो रेडियस होगा that should be same as that of circular curve, okay, radius of the circular curve, and its length should be such that full super elevation is attained at the junction with the circular curve, aur iski length kya hogi transition curve ki, to that length will be aisa aap length jo hai provide karenge ke aapke sath t1 se zero super elevation ho to t1 yani idhar junction point par aapke sath kya ho maximum super elevation attained ho jo circular curve pe hame chahiye bhi, okay, तो इसका लेंथ हम ऐसा जो है लेते हैं, वो भी तीन चार तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने उसको फाइंड नहीं किया। ओके, सो व्हाट इज सुपर एलिवेशन, व्हाट इज सुपर एलिवेशन, व्हेन व्हीकल मूव्स फ्रॉम टेंजेंट ऑन द कर्व द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, कौन कौन से फोर्सेज पर एक्ट जो है करते हैं, जैसे ही गाड़ी जो है कर्व पर स्टार्ट होना यानी उस पर जो है गुजरती है तो एक वेट ऑफ द व्हीकल एक्ट करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर एक्ट करता है, एंड बोथ एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। ओके, एंड द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टू पुश द व्हीकल ऑफ द रेल और रोड, ताकि वो क्या करता है गाड़ी को स्केट करता है यानी पुश करता है सड़क से बाहर फेंकने की पुश करता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, टू काउंटर एक्ट द एक्शन द आउटर रेल या आउटर एज, रेल यानी हम पटरी में इस्तेमाल करते हैं रेलगाड़ी वगैरह में, या आउटर एज जो है सड़क का
वो थोड़ा ऊपर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो उस आउटर एज जो है उसकी जो हाइट उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सुपर एलिवेशन या कैन कहते हैं। कि आपके साथ फॉर एग्जाम्पल एक ये सड़क बन गया आपके साथ, इसका ये एक इनर एज है, ये इसका आउटर एज है, तो आउटर एज का जो इधर आपने जो है इधर कुछ हाइट अप्लाई किया, यानी इसका एक एज बड़ा होता है, एक एज जो है इधर जीरो होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सुपर एलिवेशन कहेंगे। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड रेडियस ऑफ द कर्व। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये सड़क है। ओके, नाउ वी आर डिराइविंग फार्मूला फॉर सुपर एलिवेशन। ओके, एंड इस सड़क का आपके साथ विड्थ बी है। ओके, एंड इसका जो सुपर एलिवेशन वो एच है, यानी हम इस एच के लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं, दिस एच वी नीड टू फाइंड इट। ओके, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, ओके, तो आप फॉर एग्जाम्पल इसका जो एंगल बन रहा है वो है थीटा वन। ओके, थीटा वन ये इसका ट्राइंगल का एंगल बन रहा है। इधर आपके साथ फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी जा रही है कर्व पर। ओके, तो इसका इधर आपके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो इसके पर एक फोर्स एड करेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। सही है, जो इसको पुश यानी सड़क से बाहर पुश करने की कोशिश करता है। ओके, एंड एक इसका वेट है डब्ल्यू, इस फोर्स का जो है वो डब्ल्यू जो है, तो आप इस यानी आपके साथ अगर आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करें तो ये डब्ल्यू है, आप इसके साथ ऐड कर लें पी को, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा आर। ठीक है, और इसका जो एंगल बनेगा वो है आपके साथ थीटा टू। ठीक है, तो आपके साथ थीटा वन इक्वल टू थीटा टू है, यानी आपके साथ ये थीटा वन और थीटा टू सेम है। ओके, यानी इस केस में अगर आपके साथ थीटा वन और थीटा टू सेम है तो इस केस में क्या होगा कि आपके साथ गाड़ी ना स्किड नहीं होगी, यानी उस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड। ठीक है, सो डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द व्हीकल एंड पी इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी इज द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, क्योंकि हम सर्कुलर कर्व पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है अप्लाई करते हैं, मीटर सुपर एलिवेशन h इन मीटर, b इज द वेट ऑफ द रोड इन मीटर। फॉर इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट r ऑफ द p एंड w, जो p एंड w का जो रिजल्टेंट r है दैट मस्ट बी इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू द रिएक्शन ऑफ द रोड सरफेस, यानी इसका जो रोड का नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल टू r। ठीक है, सो थीटा वन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वन इज इक्वल टू एच बाई बी, तो एंगल बहुत छोटा है, सही है, तो इस वजह से थीटा वन आपके साथ इक्वल है टेंजेंट थीटा वन। एंगल जब बहुत छोटा होता है ना तो उस केस में आपके साथ थीटा वन की जो वैल्यू होगी अगर आप उसका टेंजेंट भी फाइंड कर ले तो दोनों की वैल्यू में इतना फर्क नहीं होता, बहुत कम फर्क होता है, उस वजह से हम थीटा वन को थीटा टेंजेंट थीटा वन की इक्वल ले सकते हैं। एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इज दिस एच एंड बेस इज दिस बी। ओके, ये आपके साथ एक थीटा से आ गया। ओके, एंड थीटा टू एक्चुअली थीटा वन एंड थीटा टू आर सेम, बट आई डिफाइन थीटा टू हेयर, इधर मैं जो है इसको डिफरेंट डिफाइन किया ताकि इसको मैं आप फर्क समझ सके। ओके, सो थीटा टू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा टू एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर थीटा के सामने इसका परपेंडिकुलर जो है ये वाला वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी है, और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस आपके साथ इसका डब्ल्यू वेट है। ओके, हमें पता है कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, तब आपके साथ गाड़ी जो है स्किड ना हो सकेगी, कुछ नहीं हो सकेगी आउट ऑफ द रोड, सो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू एंड थीटा वन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वन, थीटा टू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा टू, तो आप थीटा वन की जो वैल्यूज है ऊपर से लिख लें एच बाई बी, वो इधर से आप लिख लें, और थीटा टू यानी दोनों को आपने कंपेयर किया है और इसको आपने एक नाम दिया है इक्वेशन नंबर वन। ओके, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर फ्रॉम द बेसिक फिजिक्स। ओके, एंड अगर आप एम की जगह डब्ल्यू बाय जी इस्तेमाल कर ले, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी। ओके, तो आप एम की जगह आपने इसको इस्तेमाल किया है, एम को रिप्लेस किया है डब्ल्यू बाय जी से। ओके, दिस एम इज रिप्लेस बाय डब्ल्यू बाय जी, सो आपके साथ ये वाले वैल्यू ये वाला फार्मूला बन जाता है। अगर आप इसका ये W जो है वो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई लाए
पी बाय डब्ल्यू, तो आपके साथ पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम क्या करते हैं इसको इससे कंपेयर करना चाहते हैं। इधर आपके साथ पी बाय डब्ल्यू है इक्वेशन वन में, तो हम भी इधर भी पी बाय डब्ल्यू लाना चाहते थे। सो पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर। ओके, दिस वैल्यू वी नीड टू पुट दिस इन इक्वेशन वन, सो एच बाय बी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर। ओके, यानी आपके साथ पी बाय डब्ल्यू जो वैल्यू है वी स्क्वेयर बाय जी आर, इसको हमने पुट किया है इधर पी बाय डब्ल्यू की जगह हमने लिख लिया। सो एच बाय बी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर, तो इससे आप क्या करें बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपके साथ एच का सुपर इलेवेशन का फार्मूला बन जाता है एच इज इक्वल टू बी वी स्क्वेयर बाय जी आर। ओके, बी इज द विड्थ ऑफ द रोड, सो दिस फार्मूला विच यू यूज दिस इन हाईवेज। ओके, अगर आपके साथ रेलवेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल जो है बी को रिप्लेस कर ले जी से, कैपिटल जी से, एंड जी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स। ओके, आपके साथ ये पटरी जा रही है तो दोनों पटरी के दरमियान जो फासला है वो कैपिटल जी कहलाता है। ओके, तो दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ बी और जी का फर्क है, एक में आप बी भी इस्तेमाल करें दूसरे में आप जी इस्तेमाल करें। ओके, तो इसके साथ हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।